देखिए, करीब 2 दिन पूर्व सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कोतवाली नगर पुलिस को कि एक अज्ञात शव SCPM चौकी क्षेत्र में लिंक रोड के किनारे पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर मौका मुआयना किया गया। फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इस शव की शिनाख्त सूरज गुप्ता के रूप में हुई, जो रानी बाजार के निवासी हैं, थाना कोतवाली नगर के ही, और शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। इस घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु मेरे द्वारा इसमें SP पूर्वी और COCT के नेतृत्व में कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। सर्विलांस टीम और SOG टीम द्वारा भी इस घटना के अनावरण हेतु प्रयास किए गए थे, और इन्हीं सभी प्रयासों के क्रम में घटना का अनावरण करते हुए इस पूरी घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः राम नेवतिया और शिवा कनौजिया है, जो दोनों ही रानी बाजार के हैं। जो इसमें मुख्य आरोपी है राम नेवतिया, उसके द्वारा पूछताछ में पुलिस को बताया गया कि जो मृतक सूरज गुप्ता है उससे उसने कुछ पैसे उधार लिए थे, और सूरज द्वारा जो मृतक है लगातार राम नेवतिया से पैसे का तगादा किया जा रहा था। इसका ऐसा आरोप है कि वो बढ़ाकर पैसे इससे मांग रहे थे ब्याज के रूप में, और लगातार इस बात को लेकर इनके मध्य कसीदगी बनी हुई थी। पूर्व सुनियोजित ढंग से इस घटना की साजिश इनके द्वारा रची गई, और जो मुख्य हत्यारोपी है राम नेवतिया, इसके द्वारा अपनी पिता की दुकान पर कार्यरत काम करने वाले एक नौकर शिवा कनौजिया के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची गई। उसकी तैयारी के लिए इनके द्वारा एक मार्केट से एक 2 फीट का तार खरीदा गया, उसको एक रुमाल में लपेटा गया, और मृतक को शाम को किसी बहाने से अपनी गाड़ी में बिठा कर ये ले गए। उसको शराब का सेवन कराया गया। सुनसान जगह पर जाकर मौका पाकर पीछे की सीट पर बैठा जो इनका नौकर था शिवा कनौजिया, उसने गला कसने का प्रयास किया आगे बैठी सीट पर मृतक का, और जो ये मुख्य अभियुक्त है राम नेवतिया, ये उसकी छाती पर बैठकर उसके मुंह और नाक को अपने हाथ से इसने दबाने का प्रयास किया। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 4-5 मिनट में जो सूरज गुप्ता है उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके द्वारा गाड़ी में काफ़ी देर तक सुनसान जगह ढूंढी गई, और फिर SCPM चौकी क्षेत्र में जो ये लिंक रोड है काफ़ी सुनसान है, वहाँ कटीली तारों के बगल में इनके शव को फेंक कर वहाँ से फरार हो गए। इस प्रकार इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इन दोनों हत्याभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या इसमें कोई आपराधिक इतिहास भी है किसी? इन दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई है, इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है, इनसे अन्य विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सर, जिस तरीके से हत्यारोपी जिनकी उम्र बहुत कम दिखाई पड़ रही है, क्या लगता है इनको अपने किए पर पछतावा है, या इस तरीके से घटना जिस तरीके से कार्य की है क्या लगता है? देखिए, इनकी उम्र करीब 24-25 साल है, दोनों अविवाहित हैं, और बाकी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश करके जेल भेजा जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इनकी? रेलवे कॉलोनी से इनकी गिरफ्तारी। सर, इनका जो पैसे का लेन देन था कितने दिन पुराना? ये कुछ महीने पहले का अपना लेन देन बता रहे हैं, और व्हाट्सएप पे कुछ चैट भी है जिनसे ये प्रमाणित होता है कि लगातार जो मृतक द्वारा है इनसे अपने पैसे का तगादा किया जा रहा है।